2014 mein our economy was liberalized, privatized, globalized. We had huge base for telecom, IT, export. We were creating jobs. We created tens of millions of jobs. And then came BJP government. Rightfully so, with the promise that we will create 100 million jobs. We will build 100 smart cities. We will make sure that all the black money comes back to India. हम किसान की आमदनी डबल कर देंगे. ऐसे बहुत सारे वायदे किए थे. पांच साल के बाद जब हम देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है. एक तो वायदे ना पूरे किए, ना जॉब क्रिएट किए, ना स्मार्ट सिटी बनाए, ना फार्मर की आमदनी डबल हुई. आपने जॉब जो थे उसमें से भी 50 लाख कम किए. आपने डीमोनेटाइजेशन से स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया. आपने जीएसटी से वही लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया. फार्मर्स डिस्ट्रेस इतना बढ़ गया कि लोग आत्महत्या करने लगे. स्टूडेंट्स एजुकेशन बजट आपने कम कर दिया. आपने नए टीचर्स हायर नहीं किए. आपने गवर्नमेंट में वैकेंसी फिल नहीं की. लेकिन आपने ध्यान दिया दूसरी चीजों पे. आपने ध्यान दिया हिंदुत्व पे. आपने ध्यान दिया लोगों को बहकाने में. और आपने इसेंशियली लोगों से झूठ बोला. इन द प्रोसेस हमें तो सबसे बड़ी चिंता क्या है कि हमने अटैक किया डेमोक्रेसी पे. हमने अटैक किया फ्रीडम ऑफ स्पीच पे. हमने अटैक किया इंक्लूजन पे. सो हम जब देखते हैं कि जब हम बच्चे थे तब गांधी जी के आइडियाज जो थे उसमें बहुत ध्यान दिया गया था. आई वॉज बॉर्न इन 1942. आई एम 77 ईयर्स ओल्ड. सो उस जमाने में गांधी जी के विचार बहुत आगे थे. ट्रूथ, ट्रस्ट, लव, सिंप्लिसिटी, सैक्रिफाइस, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, रूरल अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट, बॉटम अप डेवलपमेंट, ये सब देश की विचारधारा थी. और अब हम जब देखते हैं क्या हो रहा है उससे हमें बहुत दुख होता है कि ट्रूथ को बदल दिया है लाइज में, ट्रस्ट को बदल दिया है मिस्ट्रस्ट में, लव को बदल दिया है हेट में, इंक्लूजन को बदल दिया है एक्सक्लूजन में. डेमोक्रेसी बोले हम ही जानते हैं, हम ही करेंगे खुद, स्ट्रांग लीडर किसी को पूछेंगे नहीं. फ्रीडम सब लोग घबराते हैं सच बोलने में, प्रेस वाले घबराते हैं. आप टीवी चैनल लगाइए, 10 सब जगह मोदी 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 है. तो हमें इससे बहुत दुख होता है. सो हमें कहना है विश्वकर्मा कम्युनिटी को जी कि इस इलेक्शन में आप वोट देने पहले सोचिए. धर्म के बहाने भयका मत जाइए. सोचिए कि देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. आपकी फ्रीडम, आपकी ऑटोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जॉब्स. हम जो जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे तो देश कैसे बनेगा. सब जगह जवान लोगों को चाहिए जॉब्स. हमारे देश में 50 और सम ऑड परसेंट ऑफ द पीपल आर बिलो एज ऑफ 25. 600 मिलियन पीपल बिलो 25. सो पर ईयर यू गेट 20 मिलियन पीपल roughly. क्या करेंगे इनसे? How do we create jobs for them?
you know, it's a big challenge. सर विश्वकर्मा कम्युनिटी बहुत सारे टाइटल के साथ है, उसमें धीमान भी हैं, सुतार भी हैं, जांगड़ हैं, साउथ में हम जाते हैं तो बासु आचारी सारे लोग हैं, और बहुत तो बड़ा इनका रोल भी है देश को बनाने में, हर क्षेत्र में बहुत आगे रहे हैं, लेकिन कभी भी रिजर्वेशन कोटा हो, हम विश्वकर्म समाज जो लड़ता रहा वो रिजर्वेशन कोटे के लिए भी लड़ता रहा, और रिजर्वेशन कोटा कुछ उनको मिला तो वो उसका फ़ायदा जो है वो दूसरी ओबीसी कम्युनिटी को मिलता रहा है जो थोड़ा वायलेंट टाइप के थे। दूसरे भी ऐसे कुछ समाज हैं जो आंदोलन करके रेलवे ट्रैक उखाड़ कर या इस तरह की हड़ताल करके अपना सरकार का ध्यान या सरकार को बाध्य करने के लिए वो इस तरह के कार्य करते रहे। विश्वकर्मा कम्युनिटी ने कभी भी इस तरह का संदेश पूरे देश में नहीं दिया है। अच्छी बात है, सीधी सादी जाति अच्छी बात है, दैट्स गुड, वी शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड। इस तरह के पिछले सालों में मैं कहता हूँ 2014 की भी बात करता हूँ, 2014 के पहले की बात करता हूँ, कम्युनिटी के लिए कोई इस तरह का एक एजेंडा नहीं बनाया गया या उस पर बनाने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि उनको एक मंच पर लाके एक स्पेशल नीति आर्टिजन सेल या इस तरह की कोई उदाहरण देके इस तरह बनाई जाए जिनका उनका वास्तविक लाभ उन लोगों को मिले, रोजगार को उनको लोगों को रोजगार मिले, जिस तरह से NSIC है, MSME है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ, कौशल विकास योजना है, और उनके लिए वो प्रयासरत भी हैं लेकिन वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पा रहे। देखिए पहली चैलेंज तो क्या है कि सबको साथ मिलके काम करना है, वो नहीं होता है हमारे वहाँ जी। अगर विश्वकर्मा कैन ऑल कम टूगेदर, सेट अप ए नेशनल बॉडी एंड देन प्रिपेयर ए 10-year प्लान कि विश्वकर्मा कम्युनिटी को आगे लाने के लिए क्या करना है, वी ऑल सपोर्ट, बट ऐसा प्लान तो चाहिए पहले। ये प्लान में दो चीजें हैं, एक तो आप क्या मांग रहे हैं और दूसरा आप क्या करेंगे। इट कांट बी वन वे कि सरकार से हमें ये चाहिए, वो भी बताना है कि हम ये करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप राजकोट जाइए, राजकोट में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, मशीन टूल, गियर्स, यू नो, वाटर रिलेटेड, और यू गो टू बुटाला वेर यू हैव दिस लेथ इंडस्ट्री एंड ऑल, these are all clusters of industries. आप मुरादाबाद जाइए, ब्रासवेयर, आप अगरतला जाइए, बैम्बू, आप केरला में जाइए, फर्नीचर। सो इंडिया में ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, करीबन 2000 क्लस्टर्स हैं, उसमें से 200 क्लस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं और वो प्रिडोमिनेंटली विश्वकर्मा के हैं क्लस्टर जी। तो ये क्लस्टर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मॉडर्न मैनेजमेंट चाहिए। विश्वकर्मा कम्युनिटी में एक ऐसा माहौल बन गया है कि जहां आप पहुंचे वहां सुखी हैं, एक कंफर्ट जोन फील कर लेते हैं। हाँ, उससे आगे जाने के लिए आपको चाहिए मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैनेजमेंट, यंगर पीपल, वो नहीं है और उसके लिए सरकार से मदद चाहिए, सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप अगर ऑर्गेनाइज ना हो तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। आपको जो डिमांड देनी है, रिजर्वेशन तो है ही जी, उसको साइड में रखिए, बिसाइड रिजर्वेशन यू नीड टू रियली आर्टिकुलेट डिमांड्स फॉर लोन्स, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मार्केट्स, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब है ही, बट हाउ डू यू आर्टिकुलेट इट। सर इसी बात को लेकर विश्वकर्मा समाज ने आर्टिजन सेल की डिमांड की थी, क्योंकि विश्वकर्मा कम्युनिटी हमेशा अपने आप को जन्मजात इंजीनियर मानता है और वो है भी, कई जगह कई स्टेट में उनकी ITI की ट्रेनिंग भी उनको इसीलिए प्रोवाइड नहीं कराई जाती क्योंकि वो पहले से इंजीनियर हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं, ताम्रपत्र का काम हो, चाहे वो पीतल का काम हो, चाहे वो फर्नीचर का काम हो, हर जगह वुडन से लेकर हर जगह उन्होंने कारीगरी के उनके महारत उनको हासिल है और उन्होंने पूरे विश्व में इस तरह का संदेश देकर अपनी नई पहचान बनाई है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी कैसे रहे
कैसे प्रभावी हो वो चीज। कंटिन्यूटी कैन ओनली बी अचीव्ड बाय विश्वकर्माज ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक 10 साल का प्लान बनाइए जी। ऐसा एक डॉक्यूमेंट है, किसी ने नहीं बनाया। अगर आप साथ मिलके समझो कि 50 विश्वकर्मा ऑर्गेनाइजेशंस सब मिलके एक डॉक्यूमेंट बनाए देश के लिए, ऑल 50 साइन अप करें फ्रंट पेज पे, ऑल लीडर्स, दैट ये हमें विश्वकर्मा को 10 साल में करना है, हो सकेगा। लेकिन अभी क्या है, इंडिविजुअल डिमांड करते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। वो नहीं कहते हम क्या देंगे वापसी में, वो भी सोचना है ना। तो कम्युनिटी हैज टू ऑर्गेनाइज बेटर, कम्युनिटी हैज टू हैव ए विजन। कम्युनिटी के पास टैलेंट तो ही जी। तो आप देखिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग में हम एक दफा L&T के चेयरमैन से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हमें इतने सारे वेल्डर्स चाहिए, वेल्डर्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन क्वालिफाइड वेल्डर्स नहीं मिल रहे हैं। कैन विश्वकर्मा कम्युनिटी से दैट वी विल ट्रेन 50,000 वेल्डर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया, हमें फंड दीजिए। ITI को क्या जरूरत है वेल्डर ट्रेन करने की, हम जानते हैं वेल्डर को कैसे ट्रेन करना जी। बिल्कुल, ऐसे आपको भी कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। ये इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फंस गए इसमें तो जॉब क्रिएट नहीं कर सकेंगे। आपने देखा लास्ट 5 साल में क्या हुआ, अगर फंस गए इसमें तो धर्म की बात होगी, काम की बात नहीं होगी, और धर्म से देश नहीं बनता, काम से देश बनता है। हमने बहुत दफा कहा है कि टेंपल्स विल नॉट क्रिएट जॉब्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल क्रिएट जॉब्स। अब जब ऐसा बोलते हैं तो लोग अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं तो क्या पागल जैसे बोलते हैं। हमें देश को जरा हिलाना है, कम्युनिटी को भी हिलाना है। क्या आप अभी तक आराम से बैठे हैं कि हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता? आप प्लान तैयार कीजिए, आप आगे जाइए, सब साथ देंगे आपको। तो ये बड़ी समस्या है विश्वकर्मा के बारे में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वकर्मा लोग 10% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन सोच समझ के वोट दें तो इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकता है, कंप्लीटली बदल सकता है। 10% ये बहुत बड़ा नंबर है भैया। बिल्कुल, 10% बहुत बड़ी आबादी होती है। 3-4% वोट कैन चेंज द रिजल्ट्स। कभी डॉक्टर्स की कमी होती है तो दूसरी साल इतने इंस्टीट्यूट खोल दिए जाते हैं कि लाखों करोड़ों डॉक्टर आ जाते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स नहीं हमारे देश में, आई विश वी हैड, बहुत सारे इंजीनियर्स आ जाते हैं। हाँ। और वो दौर होता है, वही मैं कह रहा हूँ कि एक बार प्याज पर सरकार गिर जाती है और दूसरी बार प्याज स्टेशन पर डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, तबाह, और किसान सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जाता है। बिल्कुल। तो ये नीतियाँ निर्धारण, एक नीतियाँ इस तरह की क्यों नहीं बनाई जाती, एक प्लानिंग कमेटी इस तरह की क्यों प्रभावी रूप से काम नहीं करती है कि हमें कितने डॉक्टर, कितने टीचर, कितना हमें खाद्य पदार्थ, प्याज या आलू सब्जी क्या चाहिए? देखिए, प्लानिंग कमीशन तो था जी, ये सरकार ने निकाल दिया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग बिना प्लानिंग नहीं हो सकता, देश में प्लानिंग कमीशन की जरूरत है, क्योंकि अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें बहुत सोच विचार के प्लान करना है कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कितने जॉब कहाँ क्रिएट करने, कितने डॉक्टर्स चाहिए, कितनी नर्सेस चाहिए, कितने इंजीनियर चाहिए, और सबको काम पे लगाना है। अभी तो क्या है, इंजीनियर बन गए, जॉब नहीं मिलता, वो कैसे चलेगा? एक विश्वकर्मा समाज के लिए, पूरे देश के जो 10% लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है, उनके लिए एक सकारात्मक किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने जो काम किया है देश के लिए, देश के बनाने के लिए, वो मैं रिकग्नाइज करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि ये काम जारी रहे। विश्वकर्मा के बिना
क्रिएटिव इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। ये जो इंडस्ट्री है वो ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड है। हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बड़ा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे कोई ध्यान ही नहीं देता, सब ध्यान देते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे। जी, सो इस वक्त विश्वकर्मा कम्युनिटी शुड टेक प्राइड इन हु दे आर, वी मस्ट टेक प्राइड इन व्हाट वी आर, देन वी मस्ट वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन, टू गिव देम राइट एजुकेशन, राइट अपॉर्चुनिटीज, एंड फॉर दैट वन वी हैव टू प्रिपेयर अ प्लान विच इज एवरीबडीज प्लान, द एंटायर विश्वकर्मा कम्युनिटी प्लान इज द 10-year होराइजन, एंड देन वेन वी वोट एवरी टाइम वी हैव टू वोट properly with understanding that every vote matters. The kind of government you select will deliver the kind of results you want. If you are interested in growth, jobs, prosperity, you have one option. You decide that, but think for yourself. Vishwakarma community ko main ek hi message dunga ki before you vote in this election, sochiye. और आपकी सोच जो भी आपको कहे यू फॉलो दैट। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज जो बहुत महत्वपूर्ण युवाओं के लिए संदेश है, विश्वकर्मा समाज के लिए जो संदेश है, जिससे पूरे एक नए और सशक्त मजबूत राष्ट्र के निर्माण में विश्वकर्मा समाज की जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, उसके लिए आपका जो संदेश है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।